नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एएजे न्यूज। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां पर शिक्षण संस्थान, कार्यालय और ग्राम प्रधानों के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। पूरे भारतवर्ष के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन हमारा देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। इसी उपलक्ष्य में आज के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरा भारतवर्ष मनाता है। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें रसौली ग्राम पंचायत की हैं, जहां पर ग्राम पंचायत रसौली में पंचायत भवन पर ध्वजारोहण रसौली के ग्राम प्रधान जियाउल हक अंसारी ने किया। वहीं ग्राम पंचायत करपिया पहुंची जिला पंचायत सदस्य सोनिया रावत ने अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वहां पर ग्राम प्रधान के साथ ध्वजारोहण में शामिल हुई। दरियाबाद में चेयरमैन नूर आलम राइन ने ध्वजारोहण किया। वहीं बाराबंकी जिले के जहांगीराबाद कस्बे में स्थित इरम कॉन्वेंट कॉलेज ने झंडारोहण कर सभी विद्यार्थियों के देश के प्रति लगाव और कर्तव्य निष्ठ रहने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं ग्राम पंचायत लचबर बजहा में ग्राम प्रधान दुर्गेश कुमार ने ध्वजारोहण किया और लोगों को मिठाइयां बांटी। इसके बाद जिला पंचायत सदस्य सोनिया रावत करपिया गांव में चल रही लाइब्रेरी का निरीक्षण किया और वहां का हालचाल जाना। मैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से दीपक कुमार यादव और हमारे साथी सुखपाल जी और हमारे साथी अशोक जी हैं। अभी इस कोविड-19 के तहत अभी हमारा प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के तहत इस गांव में हमारा गांव नामक एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें हर मोहल्ले में कक्षा 3 से 6 तक के बच्चों के साथ एक गणित की क्लासेस की जा रही हैं, जिसमें कुछ चिन्हित बच्चे हैं जिनका टेस्ट करके हम लोग बच्चों को गणित में चीज़ों को संक्रियाएं हुई, जोड़ घटाना गुणा भाग, संख्या की पहचान जो है गतिविधियों के माध्यम से सिखा रहे हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आपके अभी हम लोगों का एक कार्यक्रम माताओं के साथ हो रहा है, जो बच्चे कक्षा 1-2 में पढ़ने वाले हैं, जाने वाले हैं कक्षा 1 में, अभी उनको स्कूल में जाने से एक पूर्व तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए और उनकी माताओं को हमने एक स्मार्ट मदर को सिलेक्शन करके उनको अभी ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, कि क्योंकि देखा जाता है कि कक्षा 1 और 2 के जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादातर अपने माँ के पास ही होते हैं। साथ ही साथ जो हमारी संस्था के द्वारा आपके इस मसौली ब्लॉक में लगभग 25 गांव में हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी हर गांव में स्टैंड किया हुआ है। उस लाइब्रेरी में हमारे गांव के ही कुछ लोग सहयोगी, हर गांव से 3 से 4 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो अपने ही घर में एक लाइब्रेरी स्टैंड की हुई है। वहां पे दिन सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक बच्चे आकर के अपने मनपसंद किताबों को जो है उठा करके पढ़ते हैं और घर पे भी ले जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ढेर सारे किताबें यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है, तो बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं और उसको अपने घर पे भी ले जाते हैं और अगले दिन जो है उसको लोग ला करके वापस करते हैं। तो ये हमारी संस्था का एक पहल है जो आप सभी लोगों के ग्रामवासियों के सहयोग से चलाया जा रहा है।